एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ मंदारमनी ब्लॉग। सो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मंदारमनी पहुंच सकते हैं। सो मंदारमनी पहुंचने के लिए आपको आना पड़ेगा कोलकाता, और कोलकाता से आपको लेना पड़ेगा ट्रेन। आप ट्रेन में आ सकते हैं या गाड़ी में भी आ सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं, बस में आ सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज, पर सबसे बेस्ट वे है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से बहुत ही कम टाइम लगता है। और यहाँ पे जैसे कि मैं कोलकाता से मतलब ट्रेन पे आई हूँ, सो ट्रेन पे आपको कोलकाता स्टेशन से आपको टिकट करना पड़ेगा काथी का। तो काथी स्टेशन पे स्टेशन तक आपको आना है, और काथी स्टेशन से आपको बहुत सारा टैक्सी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा, बहुत सारा कार मिल जाएगा। सो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे मंदारमनी बीच रोड पे आ सकते हैं, और बीच रोड पे बहुत किलोमीटर तक ये जो होटल्स वगैरह है, सो आप यहाँ पे आके कोई भी होटल ले सकते हैं, कोई भी रिसोर्ट ले सकते हैं, और आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे आना बहुत इजी है, सो कोई भी चाहे तो आ सकता है। और हम जहाँ पे आए हैं इसका नाम है एक्वा मेरिना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा मेरिना ड्राइव। सो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का रूम लिटिल कॉस्टली है, जिस रूम पे हम लोग रुके हुए हैं उसका प्राइस है 5000। सो यहाँ पे आपको मिनिमम 4000 है, फिर 4000 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपको जिस क्वालिटी का आपको चाहिए उतना मिल जाएगा। खाना पीना यहाँ पे अवेलेबल है, सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री है, और बाकी आप जितना खाएंगे, जितना आपकी मर्ज़ी, जितना आप खर्चा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। गाइज लुक एट द फ्लावर्स, इतना बड़ा बड़ा फ्लावर है, ये गेंदा फूल, बहुत ही बड़ा बड़ा गेंदा फूल है। जहाँ पे यहाँ का पूरा रिसोर्ट में हर जगह इतना सारा फ्लावर है, बहुत सुंदर है। और अभी शाम हो गया है, सो ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है कुछ ही टाइम में। और अभी का जो वेदर है वो बेस्ट है बीच में घूमने के लिए, क्योंकि अभी सनबर्न थोड़ा कम होगा, आपका स्किन को हार्म थोड़ा कम होगा, और ऊपर से गर्मी भी नहीं है इतना ज़्यादा, और हवा भी बहुत है, तो बहुत मज़ा आएगा अभी। सो हम लोग भी वॉक पे निकलेंगे अभी कुछ ही टाइम में। और यहाँ पे बीच में घूमते घूमते आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, और बहुत सारा राइड कर सकते हैं, और इसी के साथ फ़ोटोग्राफ़र्स मिलता है, सो आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट करके, लेमिनेशन करके यहाँ पे वो लोग दे देंगे। सो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पे, तो हमने भी क्लिक कराया और हमको शाम तक मिल जाएगा फ़ोटो। और ये है हमारा रेस्टोरेंट, यहाँ से अच्छा अच्छा खाना जाता है, खाना ऑलमोस्ट ठीक ही था। सो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, आके बहुत एंजॉय कर सकते हैं। लहरों पे नाचे किरणों की परियां, ये जो लाइन जिसने भी लिखा है ना, एकदम परफेक्ट लिखा है, क्योंकि सच में ऐसा होता है। पूरा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, पर जब पूरा धूप है, मुझे दिख रहा है अभी भी, जब पूरा धूप उठता है तो जो लहरें होती है समुंदर में, उसमें स्टार जैसे चमकता है, तो किरणें जब गिरती है तो वो चमकता है, तो वो सही लाइन है पूरा, लहरों पे नाचे किरणों की परियां।
ये बिल्कुल सही लाइन है। ये देखने में इतना ब्यूटीफुल है कि आप अगर आएंगे, अगर आप आँखों में फेस टू फेस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सच में ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। तो गाइज, अगर आपको कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग मंदारमणि तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को मंदारमणि का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मेरे वीडियोज़ प्लीज़ देखना क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ देखते रहना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।